हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक देखेंगे। कॉन्जुगेट का ये एक छोटा सा टॉपिक है। आप आगे आने वाले क्वेश्चंस में कॉन्जुगेट यूज करेंगे एंड इसमें एक और टॉपिक देन फिर हम कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेट से। सो कॉन्जुगेट क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ लिया है, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को हम डिनोट करेंगे इस तरीके से। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम बार यूज करेंगे तो इसका मतलब वो उसका कॉन्जुगेट है। अब कॉन्जुगेट होता क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन जब हम अपोजिट कर देंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। एंड इसके लिए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर विद इन इक्वल रियल पार्ट, रियल पार्ट इक्वल होता है, एंड एन इमेजिनरी पार्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब 2x तो 2y, 2x दोनों का मतलब सेम होगा मैग्नीट्यूड भी। तो इस केस में हमारे पास, लेकिन जो साइन होगा वो अपोजिट होगा हमेशा। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो ये नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी मेरा एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, इफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा, फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट ऑफ z, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा बार में हम इसको लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप बार यूज करेंगे। देन इसका कॉन्जुगेट क्या हो सकता है? सेम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को आप लिख लीजिए। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन हमारे पास आ जाएगा। तो ये मेरा कॉन्जुगेट हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। देन हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर है। इस क्वेश्चन के लिए कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 4 आयोटा। एंड हमारे पास ये आयोटा है, मतलब इमेजिनरी फॉर्म के लिए आपको कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो साइन यहाँ पर इमेजिनरी से पहले वाला ही साइन हम यूज करते हैं, जिसको हम अपोजिट करेंगे हमेशा। तो इस इमेजिनरी पार्ट से पहले पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव का आयोटा हो जाएगा। एंड देन हमने यहाँ पर रियल पार्ट को भी यूज किया। सिर्फ रियल रियल पार्ट को अगर हम कॉन्जुगेट देखें, यहाँ पर 3 जो है एक रियल पार्ट है, तो इस केस में कॉन्जुगेट हमारा क्या होगा? 3 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करूँ तो 3 माइनस 0 आयोटा, तो इसका मतलब वो इक्वली हो गया 3 के, क्योंकि आपका हमेशा साइन जो चेंज होगा वो इमेजिनरी नंबर से पहले वाले का साइन चेंज होगा। इसके लिए कोई साइन नहीं चेंज होते हैं, जो आपका रियल पार्ट होता है। तो ये हमारा एज इट इज रियल पार्ट आ जाएगा। तो ऐसे आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। कुछ कॉन्जुगेट की, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनका हम यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे उनको डिराइव किया है और समझने की कोशिश करते हैं उनको। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। नंबर वन प्रॉपर्टी है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट किया है हमने, तो वो इक्वल हो जाएगा जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका अपोजिट साइन करके मुझे एक कॉन्जुगेट मिला, देन अगेन मैंने उसका कॉन्जुगेट किया तो मुझे सेम वही मिलना चाहिए। ये चीज़ हमने यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाई है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट ये होगा, a माइनस आयोटा b। अब इसके लिए मैं अगेन कॉन्जुगेट करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? a प्लस आयोटा b। तो ये मेरा हमेशा इक्वल होगा इसके। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बारी कॉन्जुगेट किया है तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होने के बाद आपने उनको कॉन्जुगेट करना है, मतलब पहले मैंने कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और देन मैं फिर उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करूंगी, तो ये हमेशा इक्वल होगा अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले वाले को कॉन्जुगेट कर लें और दूसरे वाले को फिर कॉन्जुगेट कर लें और देन उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो भी आपका वो इक्वल आएगा इसके। मतलब पहले या तो मल्टीप्लाई कर लें फिर कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, या पहले अलग अलग करके कॉन्जुगेट कर लें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर मल्टीप्लाई करें, तो ये इक्वल होगा हमेशा।
तो इसको हम देखते हैं कि कैसे ये इक्वल होगा। यहां पर मैंने लेट किया है एक z1 3 प्लस 2 आयोटा एंड z2 एक 3 माइनस 3 आयोटा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर मैं फाइंड आउट करूं पहला वाला LHS पार्ट, जिसमें पहले मल्टीप्लाई होगा और कॉन्जुगेट बाद में होगा, तो मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। 3 × 3 = 9 एंड ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये कुछ टर्म्स आएंगी। इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 9 + 6 = 15 हो जाएगा। एंड -9 iota + 6 iota को मैं -3 iota लिख सकती हूँ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो नेगेटिव का साइन यहाँ यूज़ कर लेंगे। देन हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो है 15 - 3 iota। अब इसका मुझे कॉन्जुगेट करना है, क्योंकि पहले वाले में यही कह रहा है LHS में, पहले मल्टीप्लाई करो फिर कॉन्जुगेट करो, तो हो गया ये 15 + 3 iota। देन RHS पार्ट जो है Z1 और Z2, इसको पहले कॉन्जुगेट कर लो। तो पहला मेरे पास Z1 है, ये इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 2 iota, इसके लिए कॉन्जुगेट होगा 3 + 3 iota। इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा साइन थोड़ा डिफरेंट होगा उससे, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 3 पॉजिटिव का 9 iota एंड ये माइनस का 6 iota एंड माइनस का 6 iota का स्क्वायर। सॉल्व होके ये भी हो जाएगा 15 + 3 iota। तो पहले हमने कॉन्जुगेट किया था, देन उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल गया है। तो इसका मतलब चाहे आप उनको इंडिविजुअली पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर लें देन उसके बाद मल्टीप्लाई करें, या पहले ही मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट करें, वो दोनों सेम ही होगा, इक्वल होंगे वो हमेशा। इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 मेरे पास है Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट। ये भी आपका वही प्रॉपर्टी की तरह है कि पहले दोनों को ऐड कर लो फिर कॉन्जुगेट करो, या पहले कॉन्जुगेट करो अलग अलग को देन उसके बाद फिर उन्हें ऐड करना, तो ये सिमिलर है उसके। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको यही कहती है कि चाहे आप ऐसे सॉल्व करो ऐसे करो, आपको दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही मिलेगा। एंड देन हमारे पास अब फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कह रही है कि या तो पहले डिवाइड कर लो फिर कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो, या अलग अलग कॉन्जुगेट करके फिर डिवाइड करो, तो ये भी आपको सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। लास्ट हमारे पास में फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो कहती है कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को Z = a + iota b जो है एंड उसको ऐड करते हैं उसके कॉन्जुगेट के साथ, जो कि हमारे पास होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास a - iota b, और अगर आप इन दोनों को कॉन्जुगेट को और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो आपको हमेशा एक रियल पार्ट मिलेगा। देखिए कैसे, a + iota b + करेंगे a - iota b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा a + a, तो 2a हो जाएगा, तो मुझे ये क्या मिलेगा हमेशा एक रियल पार्ट देगा। सेम एज इट इज हमारे पास अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास हमेशा इमेजिनरी पार्ट बचेगा, क्योंकि तब मेरे पास जो रियल पार्ट है वो उसके साइन अपोजिट होंगे, जिस वजह से वो कैंसिल हो जाएगा एंड मेरे पास फिर iota b + iota b बचेगा जो 2 iota b हो जाएगा। तो ऐसे हमने ये दो एक और प्रॉपर्टी देखी। देन ये लास्ट टू प्रॉपर्टीज हमारे पास है जो कहती है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप कर रहे हैं तो अगर आपके पास z की वैल्यू रियल है तो आपको वो रियल वैल्यू देगा, एंड ऐसे ही सेम एज इट इज ये नेगेटिव हो जाएगा तो आपको एक इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इजी कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें कोई लॉजिक या कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रॉपर्टी ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह का सोल्यूशन है कि एक प्रॉपर्टी डिराइव हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्योंकि कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू होगा हमारा कैसे, अपोजिट साइन करके। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी इसी टॉपिक से आई है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।